साउंड बार खरीदने वाले दो टाइप के लोग होते हैं। पहले जिन्हें अपने टीवी के साथ एक अच्छी साउंड बार लगा के अपने छोटे से रूम के अंदर एक सिनेमा हॉल वाली फीलिंग चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, मैं भी यही करता हूं। और दूसरे जिन्हें अपने रूम के अंदर एक छोटा सा डीजे बनाना है, साथ वाला पड़ोसी बस एक बार गाली दे दे, मजा आ जाए, दिल को तसल्ली मिल जाए बस। अब ये सैमसंग की साउंड बार एक धमाकेदार साउंड बार है अकॉर्डिंग टू मी। अब क्या ये पहले वाले लोगों के लिए है या फिर आपको पड़ोसी से गाली पड़वाने वाली है, ये आपको इस वीडियो को पूरा देख के पता चलेगा। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आपको ऑडियो टेस्ट ऐसे सुनाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको सैमसंग की B550 साउंड बार लेनी चाहिए या कोई और साउंड बार लेनी चाहिए। अब इस साउंड बार को धमाकेदार तो मैंने बोल ही दिया, तो आपको ये भी बता दूं कि साउंड बार को मैंने खुद खरीदा है, किसी ब्रांड ने मुझे नहीं भेजा और ये वीडियो किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है। कोई करेगा भी क्यों मेरे वीडियो को स्पॉन्सर, मैं प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं आपको। इस साउंड बार को खरीदने के बाद मैं 2 महीने से लगातार इसे अलग अलग रूम्स में टेस्ट करने के बाद इससे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अलग अलग जॉनरा के सॉन्ग्स की और मूवी क्लिप्स की, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में कैसे आ गई, मैंने उसे अपनी ड्राइव में अपलोड करा और उसके बाद उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ऑडियो फाइल्स मिलेंगे, जिसे सुनने के बाद, हेडफोन लगा लेना प्लीज, सुनने के बाद आपको एक्जैक्टली आइडिया होगा कि B550 साउंड बार साउंड कैसा करती है। लेकिन वो सब बाद में, जरा लुक्स के बारे में बताता हूं, आपको मजा आने वाला है, बहुत शानदार साउंड बार है, अमेजिंग साउंड बार है ये, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत जबरदस्त है और इसके अंदर आपको एक सुपर सिल्क फिनिश देखने को मिलती है। ऑन द टॉप फ्रंट में आपको देखने को मिलेगी एक मेटल ग्रिल और टॉप पे ही आपको 4 एम्बोस्ड बटन्स भी देखने को मिलेंगे कंट्रोल्स के। कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको पीछे देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं, एक HDMI ARC है, एक HDMI इन पोर्ट है, ऑप्टिकल पोर्ट है और ब्लूटूथ की सपोर्ट है, वो आपको हर साउंड बार के अंदर मिलती है। लेकिन जो खास बात है कि ये साउंड बार डॉल्बी ऑडियो के साथ साथ DTS वर्चुअल X को सपोर्ट करती है। ट्रस्ट मी, दिस इज अ गेम चेंजर। DTS वर्चुअल X को आपने जब इस साउंड बार से चलाया, मैं चला के दिखाऊंगा आपको, रुको। इस साउंड बार के अंदर 4 ड्राइवर्स हैं जो कि टोटल 160 वॉट्स के हैं और 250 वॉट का ये सबवूफर आपको देखने को मिलता है जो कि वायरलेसली कनेक्ट होगा और कनेक्शन में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। टोटल आउटपुट बनता है इस साउंड बार का 410 वॉट यानी 410 वॉट। अब सारी इधर उधर की बातें कसम से खत्म, अब आपको सीधे ऑडियो टेस्ट की तरफ लेके चल रहा हूं, जरा हेडफोन लगा लो और सुनो इसे। क्या सुना आपने, क्लैरिटी, मतलब गजब की क्लैरिटी। इतनी अच्छी क्लैरिटी मुझे इस रेंज में किसी भी साउंड बार में सुनने को नहीं मिली, पीरियड। 19,000 से 20,000 रुपए की कॉस्ट करती है ये साउंड बार और आपको इतनी शानदार क्लैरिटी हर नोट्स के अंदर किसी भी साउंड बार में नहीं सुनने को मिलेगी। मैं 2 बार बोल रहा हूं ना ये बात, लेकिन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ऐसी क्लैरिटी किसी और साउंड बार में नहीं मिलेगी। देखो 3री बार बोल दिया आपको, ये हर चीज क्लैरिटी तो होती नहीं, आपको डायलॉग्स भी सुनने हैं जब टीवी के साथ लगाते हो, तो आपको जरा यही ऑडियो टेस्ट थोड़ा सा आगे करके मैं फिर से सुनाता हूं, सुनिए जरा इसे। अब क्या सुना आपने, आपको वोकल्स यानी मिड्स की डिलीवरी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिलीवर होती हुई सुनाई दी, एंड दैट इज व्हाई इसके अंदर क्लैरिटी अच्छी है। बट इसमें बेस कैसी है, मेन क्वेश्चन तो ये है, इसमें सारी बेस लोअर बेस दी गई है, इसमें जरा सी भी अपर बेस नहीं है। इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊं इसलिए आपको ये वाला सॉन्ग जो ऑडियो फाइल्स में दिया है उसे सुनना है। चाहे आप इस वीडियो को पॉज करें, ऑडियो फाइल्स को डाउनलोड करें और उसके बाद उसे सुने। टंग लाइट को जब आप सुन लेंगे उसके बाद आपको अब ये वाला सॉन्ग सुनना है।
एनिमी जब आप सुनेंगे तो आपको दोनों ही सॉन्ग्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। लेट मी टेल यू कि दोनों ही सॉन्ग्स को हमने इस साउंड बार पे सेम सेटिंग्स सेम वॉल्यूम पे ही रिकॉर्ड किया है और सेम माइक से रिकॉर्ड किया है, उसके बावजूद आपको इतना जबरदस्त डिफरेंस क्यों मिला? क्योंकि टंग लाइट सॉन्ग के अंदर आपको सारी लोअर बेस मिलती है, उसमें रिकॉर्ड ही लोअर बेस हुई है, और ये साउंड बार जितनी परफेक्शन के साथ उसे डिलीवर कर रही है वो शायद ही कोई और साउंड बार उसे डिलीवर कर सकती है। आपको वो बेस, लोअर बेस सुनाई नहीं देती, आपको बार बार ऐसा लगता है कि यार ये कहां से बेस आ रही है, दीवारों से आ रही है, नीचे से आ रही है, मेरी बॉडी के अंदर से आ रही है, या ये वाइब्रेशन हो रही है। ये होती है लोअर बेस। यू विल फील द वाइब्रेशन ऑफ द बेस। आपके पास अगर कोई शीशे का ग्लास पड़ा है टेबल पे तो वो हिलेगा, दैट इज लोअर बेस। लेकिन जब आपको अपर बेस सुनने को मिलती है, जैसे आपको एनिमी सॉन्ग के अंदर सुनने को मिली, तब आपको वो बेस सुनाई देती है। तब आप क्या कहते हो, यार थोड़ी आवाज तेज है, थोड़ा कम करे क्या वॉल्यूम? दैट इज व्हाट इज देयर। क्या ये साउंड बार अपर बेस के गाने प्ले नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, एनिमी इसी से रिकॉर्ड करके आपको दिया है। सो आपको इसमें बहुत ही बेहतरीन जो बेस की क्वालिटी है वो सुनने को मिलेगी, एंड दैट इज व्हाई आई कॉल दिस साउंड बार अ धमाकेदार साउंड बार। अब यार ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप इतनी अच्छी साउंड बार लेंगे और सिर्फ ब्लूटूथ से गाने सुनेंगे। आप उसे अपने टीवी के साथ भी लगाएंगे, मूवी शो भी एंजॉय करेंगे, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो या कुछ और। तो हमने भी यही काम किया, आप भी जरा देखिए और सुनिए, हेडफोन लगा लें। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने ऐसा सीन आपको क्यों दिखाया है जिसमें कोई डायलॉग ही नहीं है, जानबूझ के, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे ये वाले कंटेंट में आपको डॉल्बी एटमॉस की डीकोडिंग मिलती है, लेकिन साउंड बार में तो नहीं मिलती। साउंड बार में मिलती है डीटीएस वर्चुअल एक्स। मुझे आपको ये दिखाना था कि डीटीएस वर्चुअल एक्स मोड पे जब मैं इस साउंड बार को चला के इतनी जबरदस्त सराउंड का एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, तो आप भी वही सुनिए। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑडियो फाइल्स का लिंक दिया है उसमें इस ऑडियो का भी लिंक है। आप जब उसे सुनेंगे ना हेडफोन लगा के, तो आएगा आपको मजा, तो आपको वो समझ में आएगा कि एक एक छोटी से छोटी बीट, छोटी से छोटी झलक, एक एक नुआंस जो ऑडियो का आपको सुनाई दे पा रहा है, ये ही अपने आप में गूज़बम्स लेके आता है। मेरे तो लेके आता है, अब आपको पता नहीं, लेकिन आपको किसी टाइप से किसी चीज की कमी इस साउंड बार से महसूस नहीं होगी, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सैमसंग B550 साउंड बार। लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन उससे पहले आपको सैमसंग की साउंड बार का प्राइस बताता हूं। 19,000 से 20,000 रुपीस के बीच में आपको ये साउंड बार मिलेगी, एंड मेरे हिसाब से एक एक पैसा पूरा पूरा वर्थ है, ये प्रोज एंड कॉन्स हो गए। एक मिनट, तो मैं आपको कह ये रहा था कि इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन्हें यूज करके प्लीज अगर अपनी परचेज को पूरा करेंगे तो इस चैनल की बहुत ज्यादा मदद होगी, क्योंकि वो सारे मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं। आपका प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इस चैनल की थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी जिससे हम इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, इन्हें बार बार टेस्ट करते हैं, फिर आपको रेकमेंड करते हैं जब हमें ये अच्छे लगते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके सबसे पहले आपको कॉन्स बताता हूं। ये एक बहुत शानदार साउंड बार है तो सही, लेकिन अगर आप इससे बहुत ज्यादा सुनने वाली बेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि इसके अंदर आपको अपर बेस नहीं मिलने वाली। अगर आप बेबी को बेस पसंद है, जैसे ठा 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 कानों में सुनना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको ऑडियो फाइल्स के अंदर एनिमी सॉन्ग के अंदर सुनाया, अगर आप उससे भी ज्यादा बेस चाहते हैं, नहीं मिलेगी। इसमें बहुत शानदार बेस है, लोअर बेस है, और वो आपको सुनाई तो बहुत ज्यादा कम देगी, लेकिन आपको फील होगी, ऐसा लगेगा दीवारों से आ रही है, जमीन से आ रही है, आपकी बॉडी से आ रही है, आपको वाइब्रेशंस फील होंगी, एंड दैट इज गुड इन दिस साउंड बार। इसके चार ड्राइवर्स कमाल करते हैं, लिटरली दे आर ऑसम। ये तो मैं प्रोज बता रहा हूं। एक कौन और है, इसके अंदर आपको HDMI इन भी मिलता है, लेकिन आपको कोई HDR पास थ्रू नहीं मिलता। सो
इट इज गुड बट इट इज काइंड ऑफ यूजलेस, क्योंकि आप इससे एक सेट टॉप बॉक्स लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर HDR पास थ्रू होता तो ये थोड़ी और फीचर रिच साउंड बार हो जाती, लेकिन क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि अगर आप ऐसा फीचर नहीं देख रहे हैं, आपको HDR पास थ्रू नहीं चाहिए, आपके टीवी में HDMI पोर्ट की भरमार है, क्या कर रहे हैं आपको HDMI पोर्ट इसमें? तो इसलिए आई थिंक दिस इज अ गुड वन। अब आपको बताता हूं इसके प्रोज। इस साउंड बार के फ्रंट में आपको जो चार ड्राइवर्स मिलते हैं वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा क्लियर हैं, वो बल्कि बहुत ज्यादा लाउड भी हैं। व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लोअर बेस को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। ध्यान से समझिए, 410 वॉट की ये साउंड बार है, उसमें से 250 वॉट का तो ये सबवूफर है, बचा ये 160 वॉट की साउंड बार। 160 वॉट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतने शानदार और जबरदस्त तरीके से करी गई है कि आपको सबवूफर से तो मिलती है सारी लोअर बेस, और यहां से जो क्लैरिटी मिलती है और लाउडनेस मिलती है, दैट इज सिंपली सुपर्ब। आप जबरदस्त मजा करने वाले हैं। आप अपने फेवरेट सॉन्ग को भी, जिसे आपने शायद 50 बार ऑलरेडी सुना होगा, जब उसे प्ले करेंगे इस साउंड बार में, आपको कोई ना कोई एक ऐसा नोट सुनाई देगा जो आपने पहले कभी भी नहीं सुना। दिस इज माय गारंटी टू यू। आपको मूवीज देखने का जबरदस्त मजा आएगा, क्योंकि DTS वर्चुअल एक्स का जो मोड है इसमें, दैट इज सिंपली आउटस्टैंडिंग, एंड आप शायद ही कोई इसमें कमी निकाल पाए। हाँ, अगर आपको अपने घर में DJ का स्पीकर रखना है, देन दिस इज नॉट द साउंड बार फॉर यू, बिकॉज इसमें आपको वो अपर बेस वाला मजा नहीं आएगा। बट अगर आपने खुद एंजॉय करना है, पड़ोसी को एंजॉय नहीं कराना, खुद करना है, This is the soundbar for you. This is the one that you should buy. And ये आपको इतना मजा दे सकती है जितना शायद ही और कोई 30-40 हजार रुपए की soundbar दे पाए। Try and understand what I'm saying. अगर आपका 200 square feet से नीचे तक का room है, टेक माई वर्ड्स फॉर इट, यू डोंट नीड एनी बेटर साउंड बार। आपके पास ये ऑप्शन है, 20,000 रुपीज के अंदर आप बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस पा सकते हैं easily, and you don't need a 5.1 soundbar. इसलिए इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे अफिलिएट लिंक है, प्लीज उन्हें यूज करके अपनी परचेज को पूरी करिएगा, यहां पे अपनी सर्च खत्म करिए। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं। एक वीडियो आप मेरा ऑलरेडी इस समय तक देख चुके होंगे, वो है ये, इनमें तीन साउंड बार्स को मैंने कंपेयर किया था। अब एक वीडियो और आने वाला है, इसे साउंड बार मेगा कंपैरिजन कहता हूं, या फिर आप इसे पार्ट टू कह सकते हैं, और वो है ये। आपको इसकी वेट करनी चाहिए और उसके बाद एक फाइनली डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सी साउंड बार आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 10,000 से लेकर 20,000 तक की सारी साउंड बार्स को जब मैं कंपेयर करके आपको ये बताऊंगा कि बेस्ट साउंड बार कौन सी है हर बजट में, ऐसा कंपैरिजन आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, ये विनीत मल्होत्रा की गारंटी है आपको। और कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और आपका कोई सवाल है, कोई बात नहीं, सारे आंसर होने वाले हैं आने वाले वीडियो में, उसकी वेट जरूर करिएगा। और अगर आपने ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा, जल्दी जाइए, जल्दी से क्लिक करिए और देखिए। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।